सदाए हक कश्मीर न्यूज़ के नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं इमरान अब्बासी। रावलाकोट नाला बाज़ार के अकब से बरामद होने वाली नाश पोस्टमार्टम वर्सा के हवाले। इस खबर की तफसीलात से कबल नए आने वाले नाज़रीन को बता चलूँ कि खबर से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। रावलाकोट शहर में नाला बाज़ार के हयाता से एक नौजवान की नीम मशक शुदा नाश बरामद हुई है, जिसकी शिनाख्त मोहम्मद आबिद वल मोहम्मद सदीक साकना बन खिड़क के तौर पर हुई है। नौजवान की उम्र 34 साल के लगभग थी। मुबैना तौर पर वह नशे का आदि था। यह खदशा जाहिर किया गया कि नशा के इंजेक्शन लगाने से उसकी मौत वाक़ हुई। गुज़श्ता रोज़ पीर को उस वक्त नाश की मौजूदगी का इल्म हुआ जब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सैनिटरी वर्कर्स इस एरिया में सफाई का काम कर रहे थे। इतला पर पुलिस जाए वकूआ पर पहुंची और नाश को तवील में लेकर पोस्टमार्टम की घर से शेख जायद अस्पताल पहुंचाया गया। नाश कदरे मसक होने के बायस पुलिस को शिनाख्त में दुश्वारी पेश आई। तमाम उसकी जेब से बरामद होने वाले मोबाइल फ़ोन की मदद से उसकी शिनाख्त की गई। इतला पर महरूम नौजवान के वर्सा शेख जायद अस्पताल पहुँचे और उसकी शिनाख्त कर ली और वर्सा ने पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में नाश हवाले की गई। ज़राए के मुताबिक नाश चंद दिन पुरानी है। मुमकिन तौर पर इंजेक्शन की ज़्यादा मकदार लगने या एक्सपायर इंजेक्शन से मौत वाक़ हुई। नाश की हालत भी उस वजह से सख्त ख़राब हुई। तमाम पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके मज़ीद तहकीकात शुरू कर दी हैं। महरूम की नमाज जनाजा पीर की शब उनके घर के करीब अदा की गई और उन्हें आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-हक कर दिया गया।